नमस्ते दोस्तों, आज हम CST का ट्रीटमेंट इन टैली में करना सीखेंगे। CST का मतलब होता है सेंट्रल सेल टैक्स। सेंट्रल सेल टैक्स तब लगता है जब एक व्यक्ति, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी एक से ज़्यादा स्टेटों से खरीदती है माल तथा एक से ज़्यादा स्टेटों में बेचती है माल, तथा वैट तभी लगता है जब एक ही स्टेट से खरीदती है तथा एक ही स्टेट में बेचती है। तो जब CST लगता है तो जब जो खरीद के ऊपर लगेगा CST, सेंट्रल सेल टैक्स, तो उसकी एडजस्टमेंट जो सेल की है आउटसाइड द स्टेट उससे नहीं की जा सकती, बट जो हमने CST दिया है सेल के ऊपर उसकी एडजस्टमेंट वैट से की जा सकती है। तो आइए सीखिए। सबसे पहले आप लेज़र करेक्शन करने से पहले फीचर्स में जाकर स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन है इसमें इनेबल करना है वैल्यू एडेड टैक्स यस एंड सेट एंड अल्टर वैट डिटेल यस, इसको आपने एक्सेप्ट कर देना है। अब देखिए मैं जा रहा हूँ लेज़र क्रिएशन में, तो मैंने लेज़र क्रिएट किए हुए हैं, जस्ट डिस्प्ले करता हूँ आपको। एक मैंने बनाया है CST, सेंट्रल सेल टैक्स ऑन परचेज, सेंट्रल सेल टैक्स ऑन सेल, परचेज ऑन CST, परचेज ऑन वैट, सेल ऑन CST एंड सेल ऑन वैट। ये दो अकाउंट और बनाएंगे, एक बनाएंगे वैट ऑन परचेज एंड वैट ऑन सेल, जैसे हमने CST ऑन परचेज एंड CST ऑन सेल बनाया था। जैसे हम इसको चेक करते हैं, हमने CST ऑन परचेज को ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के टैक्सेस के अंडर रखा। टाइप्स ऑफ ड्यूटी है CST और इसका कैलकुलेशन किया है 12.5%, मेथड ऑफ कैलकुलेशन वैट रेट। ऐसे ही हमने CST सेल बनाया, ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंडर रखेंगे, इसका भी रेट 12.5% है। ऐसे ही हमने वैट ऑन परचेज रखा, इसका इनपुट वैट है 12.5%, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंडर रखा। ऐसे वैट ऑन सेल है, ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेशन के अंडर रखा, आउटपुट वैट है 12.5%। ऐसे ही हमने परचेज ऑन CST रखा अंडर परचेज अकाउंट, परचेज ऑन वैट रखा अंडर परचेज अकाउंट, सेल ऑन CST अंडर सेल अकाउंट, सेल ऑन वैट है अंडर सेल अकाउंट। नाउ वी हैव टू पास द वाउचर एंट्री। आइए देखिए, सबसे पहले हमने खरीद में गए, मान लो हम कैश ही कर रहे हैं, परचेज ऑन CST। आइटम है डिजिटल कैमरा, मान लो 1000 क्वांटिटी मैंने खरीदी है और इसको मैं रेट लगाता हूँ 5000 का खरीदा, और इस पे CST है ऑन परचेज 12.5%, ये कैलकुलेट हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद मैंने फिर परचेज किया, कैश ही किया, परचेज ऑन वैट, तो यही आइटम है डिजिटल कैमरा, ये मान लो 6000 का है, वैट वाला है, और इसके ऊपर वैट है जो मैंने लगाया परचेज के ऊपर, ये 12.5%। इसकी जो एडजस्टमेंट है बोथ वैट आउटपुट और वैट आउटपुट एंड जो CST है उससे इसका जो क्रेडिट है वो किया जा सकता है, नेट पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर सकते हैं। अब हम सेल में गए,
सेल कैश ही हुई है। सेल ऑन सीएसटी, दिस इज डिजिटल कैमरा, मान लो 1000 की क्वांटिटी बेच दी हमने 5500 की। दिस इज सीएसटी ऑन सेल 6,87,500 हम जमा नहीं करेंगे, उसकी जो वैट की जो हमने पेमेंट दी है परचेज के ऊपर उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। और चेक करते हैं रिपोर्ट्स में, डिस्प्ले में हम चले गए, हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में चले गए, वैट में चले गए, वैट कंप्यूटेशन। देखिए यहाँ जो आउटपुट टैक्स है असल में ये सीएसटी है, अगर हम इसकी एंट्री में जाएं जो आउटपुट वैट शो हो रहा है ये सीएसटी है, इसकी एडजस्टमेंट हमने जो कर रहे हैं 7,50,000 से होगी, क्योंकि 7,50,000 इनपुट ज़्यादा है इसलिए हमें रिफंड होगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, आप देख लीजिए इस एंट्री को, ये असल में सीएसटी की है जिसकी एडजस्टमेंट इनपुट वैट से हुई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।